तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले जॉइन इंडियन आर्मी के तहत जो है 90 पोस्टों की वैकेंसी आ चुकी है। इसमें पोस्ट की बात करते हैं, इसमें टेक्निकल एंट्री स्कीम की वैकेंसी है जिसमें सिर्फ मात्र 90 पोस्टों की वैकेंसी है। इस फॉर्म को लेकर क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या हम लोग घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट क्या है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, हम लोग वो भी देखेंगे। तो लेकिन उससे पहले हो सके तो मैं वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक या चाहे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे यह होगा कि किसी तरह का अपडेट या वैकेंसी आता है सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा, उसको जानकारी ले पाएंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पर, उसे देखते हैं, उसे समझते हैं इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन मैंने ओपन करके रखा हुआ है, आपको हम आगे बताएंगे वो किस तरह आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका डिटेल समझ लेते हैं। यह जो है इंडिया आर्मी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसमें से सबसे पहले हम लोग जो है 12th पास के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये कौन लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास के लोग जो है ये फॉर्म वो अप्लाई कर सकते हैं। यह देख सकते हैं 12th पास टेक्निकल एंट्री स्कीम जो वैकेंसी आ चुका है। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आप इंडियन के सिटीजन हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, इस सब जो है भूटान के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, नेपाल सब्जेक्ट के भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आगे बात करते हैं, सबसे पहले इसमें फॉर्म को लेकर एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट बिफोर जो है आपका 2 जून 2005 एंड नॉट आफ्टर 1 जुलाई 2008 के बीच का आपका नहीं रहना चाहिए तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि 16 साल से लेके जो है 19 साल तक के लोग जो फॉर्म ये अप्लाई कर सकते हैं। और आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसमें क्या क्या जानकारी दे दिए गए। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि यह फॉर्म जो है 12th पास के लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, जैसे कि प्लस टू जो है जैसे सबसे मेंशन है और इसमें मेंशन कर दिया गया मिनिमम एग्री जो लिखा गया है आपका 60% आपका मार्क्स रहना चाहिए जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स है तो ही फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा यह फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपके पास 12th का डिग्री में आपके पास जो साइंस का डिग्री है 12th का जिसमें से आपका 60% है, जिसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हैं आपके पास तो ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सपीरियंस टू JEE मैथ्स 24 जो एक्सपीरियंस है वो लोग भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपका रहने वाला है इस फॉर्म को लेके। और आगे बात करते हैं पोस्ट की, टोटल पोस्ट हम लोग यहाँ देखते हैं तो टोटल पोस्ट वैकेंसी की बात करते हैं, 90 यहाँ पे मेंशन है यानी कि 90 जो पोस्टों की वैकेंसी है। टाइप और कमीशन जो बात करते हैं, कमीशन इसमें 4 ईयर का कोर्स रहने वाला है, यह साफ साफ मेंशन है। ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग टोटल ट्रेनिंग विल बी 4 ईयर डिटेल्स आर अंडर आपका 4 साल के अंदर का इसमें आपका रहने वाला है। और कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग की बात करते हैं, सर ट्रेनिंग आपको क्या पेमेंट मिलने वाला है, तो 13,490 रुपये आपको पर मंथ इसमें आपको मिलने वाला है। और रैंक आपको दे दिया गया, रैंक आपका क्या क्या रहने वाला है जैसे सारा चीज़ में मेंशन कर दिया गया। और आगे बात करते हैं, सर लेवल भी दे दिया गया, आपका सिलेक्शन किस लेवल पर होता है तो आपका कितना पेमेंट तक मिल सकता है सारा जानकारी दे दिया गया। और इधर आगे बात करते हैं, मेरिट सिलेक्शन सर्विस जो पे होता है वो आपका जो है 15,500 रुपये फीस आपका रहने वाला है। और आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन ग्रेड की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन ग्रेड हायर क्वालिफिकेशन वाले लोग भी तक अप्लाई करेंगे। और इधर रिस्क एंड हार्डशिप मैट्रिक्स दे दिया गया है। और आगे बात करते हैं, इधर कुछ तो है नहीं, इधर तो भी कुछ जानकारी के लिए खास नहीं है। और थोड़ा सा नीचे करते हैं, हाउ टू अप्लाई, किस तरह आप अप्लाई करेंगे फॉर्म को वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन इसमें देख लेते हैं इसमें कहीं ए फी वगैरह तो हम लोग देखना चाह रहे हैं इस फॉर्म को लेकर क्या फी रखा गया। इसमें 10th का सर्टिफिकेट लगने वाला है, मार्कशीट लगने वाला है, ओरिजिनल सो डेट ऑफ बर्थ आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, क्लास 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट लगने वाला है, ID प्रूफ ओरिजिनल लगने वाला है, कॉपी रिजल्ट ऑफ JEE का आपके पास रिजल्ट है तो वो आपको यहाँ पे कॉपी लगने वाला है। और आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है, यहाँ तो कुछ नहीं है। अप्लाई डेट की बात करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 मई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। वही बात करते हैं क्लोज की बात करते हैं, 13 जून तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, यानी 13 मई से फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है और 13 जून तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। इस बीच में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी आपके पास 1 महीने का समय है। तो यहाँ देख सकते कहीं भी आपको जो पेमेंट फी नहीं रखा गया है, अगर आपको पेमेंट फी लगता है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं सर इस फॉर्म में आपको कितना पेमेंट फी लगने वाला है। अब ये सब जानने के बाद सर फॉर्म किस तरह अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए क्या करना है आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप पे आना है, आने के बाद गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे नया पेज आ लेना है, नया पेज आने के बाद आपको सर्च करना है
ज्वाइन इंडियन आर्मी, क्या लिखे सर्च करना है, ज्वाइन इंडियन आर्मी लिखे सर्च करेंगे, फर्स्ट में ही ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे नीचे करेंगे, थोड़ा सा नीचे देखेंगे, यहाँ पे जो ऑफिसर सिलेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जितना भी नोटिफिकेशन दिख रहा है सारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो सब्जेक्ट TES प्लस 2052 लिखा हुआ है, यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन दे दिया गया, पब्लिश डेट 13 मई से स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले PDF यहाँ से देख कर डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको PDF दे सकते हैं। अब आपको हम बता दें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई का लिंक, दोनों का लिंक दिया रहता है। इससे यह होता है, आपको अगर नोटिफिकेशन देखना है तो इतना सर्च करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट नोटिफिकेशन के लिंक पर क्लिक कर लेंगे। और अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई के लिंक डायरेक्ट क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने में सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन अप्लाई जो दे दिया गया, तो रजिस्टर करने के लिए सबसे रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे, पूरा निर्देश को पढ़ लेना है। निर्देश को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको सबसे पहले आपके पास क्या है, आधार कार्ड है, एनरोलमेंट नंबर या नहीं है, आप अपना आधार देना चाहते हैं तो आधार सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आधार का एनरोलमेंट नंबर दे सकते हैं, कैंडिडेट का नाम डालना है, फादर नेम डालना है, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आई हैव पे क्लिक करके कैप्चर कोड डालना है, उसे सबमिट कर लेंगे। सबमिट होने आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको फिर से क्या करना है, बैक आ जाना है। जैसे बैक आ जाएंगे, फिर आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, जहाँ से मैंने आपको फॉर्म भराया था। अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्वालिफिकेशन, मैरिज स्टेटस है, यहाँ से आप लॉगिन हो जाएंगे। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी फी मंगा जाएगा, आप अपलोड करेंगे, सबमिट कर देंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आई होप मेरे पास किसी स्टूडेंट का फॉर्म नहीं रहता है, फिर आपको बताऊँ, मेरा काम है सर आप लोगों तक जानकारी पहुँचाना, किस जगह से किस वैकेंसी सही है या नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपको सही जानकारी दिया, तो हो सकता है वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक या चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे यह होगा कि आने वाले समय में इसी तरह का अपडेट, इसी तरह वैकेंसी आता है, सबसे पहले आपको पता चलेगा, जानकारी ले पाएंगे। और अगर आपको फिर भी फॉर्म भरने में कहीं भी प्रॉब्लम होता है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से कॉन्टैक्ट का हेल्प ले सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का जो है लिंक दे दिया रहता हूँ, ताकि डायरेक्ट हमें कॉन्टैक्ट का हेल्प ले सकते हैं। और मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ कि अगर जो स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं, अपने पास ही रख लेते हैं, लोगों तक पहुंचाते नहीं हैं। अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो शेयर करेंगे, उनका जो हो सकता है, जो स्टूडेंट ज़्यादा शेयर करेंगे, उनका जो फॉर्म भरने का फी होगा, वो फी हमारे तरफ से आपको दिया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपना फी है, जल्द से अपना फी हमारी तरफ ले सकते हैं, हमारी तरफ से ले सकते हैं। क्योंकि हमारा कहना ये है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। कुछ लोगों को पता नहीं चल पाता है जो वैकेंसी सही है या नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से कोई भी वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई कर दे, तो वीडियो जरूर सक्सेसफुल हो पाएगा। इसीलिए मेरा काम है लोगों तक सही जानकारी पहुँचाना। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, वैकेंसी हम लोग कहीं से भी जाके देखते हैं, कहीं वैकेंसी देखने को नहीं मिलता। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और जिनका हर एक वीडियो का एक स्टूडेंट का फी हमारे तरफ से दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, किसी और वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।